गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हमने हमारे संस्कृत की पुस्तक का फर्स्ट लेसन, जिसका नाम क्या था, सुभाषितानी, इस लेसन को हमने अच्छे से वेनसडे और सैटरडे को मिलकर अच्छे से रीड कर लिया और कॉपी पे राइट भी किया। हमने शब्दार्थ भी इसके अच्छे से याद भी कर लिए और राइट भी कर लिए। अब हम अपने कार्य की शुरुआत क्या है, इस पाठ के अभ्यास के साथ करेंगे। देखो बच्चों, कुछ एक बच्चों ने अपने काम करके, अपना वर्क कंप्लीट करके मुझे फ़ोटो ज़रूर सेंड की है, लेकिन कुछ एक बच्चों ने अभी तक भी अपने काम को अच्छे से कंप्लीट नहीं किया। सो प्लीज़ स्टूडेंट्स, अपने काम को आप अपने अच्छे तरीके से कंप्लीट कीजिए। ओके, आज हम अपने कार्य की शुरुआत फर्स्ट लेसन के अभ्यास के साथ करेंगे। फर्स्ट लेसन के अभ्यास के साथ देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पाठ है, देखो जो इस पाठ के श्लोक हैं, इस पाठ के जो श्लोक हैं, हमने इसको सस्वर वाचन, सस्वर मीन्स क्या होता है, सैम स्वर वाचन मीन्स ऊँची आवाज़ में, ऊँचे शब्दों में हमने इसको, ऊँची आवाज़ में हमने इसको पढ़ने हैं, उसको रीड करना है। ये आप लोग खुद करना बेटा, ठीक है। सेकेंड, अब हम अपनी शुरुआत कहाँ से करेंगे, हमारे सेकेंड क्वेश्चन के साथ। देखो श्लोकांशु रिक्त स्थानी पूरेते, मीन्स क्या है, हमारे को इसमें क्या है, श्लोकों के एक अंश मीन्स छोटे छोटे भाग, छोटे छोटे टुकड़े दिए हुए, छोटे छोटे भाग दिए, हमने उसको क्या करना है, पूरा करना है, ठीक है। श्लोकों का कुछ एक अंश हमें दिए हुए हैं, उन श्लोकों को हमने क्या, श्लोकों की लाइन को हमने क्या करना है, पूरा कंप्लीट करना है। देखो फर्स्ट, देखो समुद्र साध्य मीन्स क्या है, जो समुद्र, देखो इसकी, इसका कहाँ पूरा हो रहा है, यहाँ देखो फर्स्ट स्टेंजे में फोर्थ लाइन, देखो समुद्र साध्य भवंत पिया। ओके, यहाँ पर हम क्या राइट करेंगे, भवंत पिया मीन्स क्या है, किसी स्वादिष्ट नदी का जल भी अगर किसी समुद्र के पानी में समा जाता है तो क्या कर देता है, अपने पानी की शोभा जो है, अपने पानी की गुण को समाप्त कर देती है, मतलब उनका पानी भी, उस नदी का पानी भी क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। सेकंड देखो, डैश वच मधुर सुक्त रसम सृजंती, कौन से वचन सुनकर भी, मतलब क्या करके भी क्या है, वो एक अच्छे वचनों का निर्माण ही करते हैं, मीन्स अच्छे, चाहे वह बुरे वचन सुने चाहे वो अच्छे वचन सुने, फिर भी क्या करते हैं, एक अच्छे वचनों का निर्माण ही करते हैं, मीन्स श्रुत्वा, श्रुत्वा मीन्स क्या होता है, सुनकर, ठीक है। थर्ड देखिए, तद भाग दिए डैश पशुनामा, इसका देखो क्या आएगा, देखो कहाँ पे है, ये सेकंड स्टेंजे की फोर्थ लाइन है, तद भाग दिए परम पशुनामा, ठीक है, वह भी एक पशु के समान होता है। देखो उठ कह देखिए, विद्या फलम डैश कृपण से सौख्यम, मीन्स क्या है, कंजूस व्यक्ति का क्या हो जाता है, कंजूस व्यक्ति का सुख समाप्त हो जाता है, और व्यसनी का क्या हो जाता है, विद्या फलम खत्म हो जाता है। देखो यहाँ पे क्या था हमारा थर्ड स्टैंजे का, देखो ये थर्ड लाइन है, थर्ड स्टैंजे की थर्ड, विद्या फलम व्यसनी कृपण से सुख्यम, यहाँ पे क्या आएगा, व्यसनी, क्या आएगा, व्यसनी। स्त्रियाँ डैश सर्वदत्त डैश कुलम, क्या है कि स्त्रियों के सुखी रहने पर उसका पूरा कुल ही सुखी होता है। जिस परिवार की स्त्री सुखी रहेगी, जिस परिवार की औरत सुखी रहेगी, उस परिवार का क्या है, पूरा, वह पूरा परिवार ही सुखी रहता है। देखो इसका देखो क्या है, यहाँ पे देखो लास्ट स्टेंज है, स्त्रिया रोच मनाया सर्वे तद रोचेते कुलम, मीन्स क्या है, ये देखो यहाँ पे पता चल गया, स्त्री के बाद क्या लिखा, रोच मनाया, और कुलम के बाद क्या हुआ, रोचते, सेम यहाँ पे स्त्रिया के बाद क्या लिखा है, रोच मनाया, और कुलम के पीछे के आगे क्या लिख दिया हमने, रोचते। इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूरा हुआ। सेकेंड देखो क्या है, प्रश्न नाम उत्तराणी एक पदेन लिखित, एक पदेन मीन्स क्या होता है, एक ही शब्द में, एक ही पद में, मीन्स जिसको हम बोलते हैं ना वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, जिसका वेरी शॉर्ट क्या होता है कि एक ही शब्द में हम उसका आंसर देते हैं, सेम ऐसे ही है इसमें, एक ही पद में, एक ही शब्द में हमने अपने क्वेश्चन का आंसर देना है। देखो फर्स्ट क्या है, व्यसनीन का क्या नष्ट हो जाता है, विद्या फलम, व्यसनीन का क्या नष्ट हो जाता है, विद्या फलम। सेकंड देखो, कस्य रोच बनाया सर्वे कुलम रोचन्ते, किसके सुखी रहने पर पूरा कुल सुखी रहता है, स्त्रियां के, किसके सुखी रहने पर पूरा कुल सुखी रहता है, स्त्रियां के, ओके, स्त्रियों के।
सेकंड थर्ड देखिए, कस्य यश निश्यन्ति, किसका यश खत्म हो जाता है, लुभस्य, लुभस्य मीन्स लोभी व्यक्ति का, किसका यश खत्म हो जाता है, लुभस्य लोभी व्यक्ति का। गया देखो, मधुमक्षी का किम जनन्ति, मधुमक्षी का जो मधुमक्खी होती है वो किसका सृजन करते हैं, मधु मीन्स क्या है, शहद का। अगेन, मधु सुक्त रसम के सृजन्ति, मधु सुक्त रसम मीन्स के एक अच्छे वचनों का निर्माण कौन करता है, संत, जो एक महापुरुष होता है जिनको ज्ञान का सागर है, वह क्या करते हैं, एक अच्छे वचनों का निर्माण करते हैं। अच्छे वचनों का निर्माण कौन कर, सृजन्ति मीन्स निर्माण करना, के मीन्स अच्छे वचनों का निर्माण कौन करता है, संत, किसके द्वारा अच्छे वचनों का निर्माण किया जाता है, संतों के द्वारा। देखो अब क्या है, अधोलिखित तद्भव शब्दाना कृते पठात चित्वा संस्कृत पदानि लिखत, मीन्स क्या, तद्भव शब्दों को जो नीचे, अधोलिखित मीन्स नीचे, नीचे लिखे हुए संस्कृत के शब्दों को हमने किस, सॉरी हिंदी के शब्दों को, तद्भव शब्दों को हमने किस में राइट करना है, संस्कृत के पदों में, संस्कृत में राइट करना है। ओके, क्वेश्चन समझ में आया, नीचे लिखे हुए पदों को, नीचे जो लिखे हुए शब्द हैं उनको हमने किस में लिखना है, संस्कृत में लिखना है। देखो एक आपको करके दिखाया हुआ, कंजूस, कंजूस का मीन्स क्या होता है, कृपण है, कंजूस का मीन्स, कंजूस को हम संस्कृत में क्या कहते हैं, कृपण है। सेकंड देखो, कड़वा, कड़वा का कटुकम, कड़वा का कटुकम। पूछ, पूछ का पुच्छ है, पूछ का पुच्छ है। लोभी का लुब्ध, लोभी का लुब्ध। मधुमक्खी, मधुमक्खी मधुमक्षिका, मधुमक्खी का हम संस्कृत में क्या बोलते हैं, मधुमक्षिका। तिनका को संस्कृत में क्या बोलते हैं, तृणम, तिनका को तृणम। ओके बेटा, इसी के साथ आज के हम अपने कार्य को विराम देते हैं और सैटरडे को हम इस यह लेसन पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और आपने अपनी कॉपी पे क्या राइट करना है, आपने अपनी कॉपी पे देखो, एक तो रिक्त स्थानी पद, रिक्त स्थानी पूर्यत, ठीक है, और सेकंड आपने अपनी कॉपी पे राइट करना है प्रश्न नाम उत्तराणी एक पदें लिखित, मीन्स आपने हेडिंग क्या डालनी है, प्रश्न उत्तर की हेडिंग डालनी है और आपने अपने प्रश्नों की शुरुआत करनी है। ओके बेटा, डू योर वर्क, लर्न एंड राइट। ओके बेटा, सैटरडे को हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर देंगे। ओके।